गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.4 ऑफ 12th क्लास. ऑलरेडी वन क्वेश्चन डन इन प्रीवियस लेक्चर, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2. इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 गिवन दैट ए आपको गिवन है 2-1, आपको ए इनवर्स फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन. इन एलिमेंट्री ऑपरेशन वी विल मेक दिस मैट्रिसेस इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो होती है 1 0 0 1. यहाँ पे 2 गिवन है, मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो वी विल अप्लाई द ऑपरेशन R1 फिर चेंज करना है, तो R1 राइट करो, यहाँ पे भी R1 राइट करो, और माइनस क्या हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, तो राइट R2. तो अब अप्लाई करो, दोनों पे अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है कि आप इस पे अप्लाई करो इस पे भूल जाओ. तो फर्स्ट अप्लाई दिस ऑपरेशन बोथ ऑफ द मैट्रिसेस. आप यहाँ पे लिखोगे 2, ये हो गया -1, यहाँ पे क्या है आपका 1, नीचे क्या है आपका -1. नीचे सिर्फ R1 पे चेंज करना था, R1 चेंज करो, नीचे एज इट इज़. सिमिलरली यहाँ राइट करेंगे 1 -0 0 -1 0 1, और ये ए हो जाएगा. 2 में से 1 गया 1 0 1 1. यहाँ पे जो वैल्यू आई वो 1 -1 0 1 और ए. अब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के लिए यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, 0 चाहिए. तो सिंपल किस में चेंज करना है आपको, R2 में चेंज करना है, तो अप्लाई R2 -R1. तो अगर हम अप्लाई करते हैं दिस ऑपरेशन तो क्या होगा, देखो 1 फर्स्ट R1 एज इट इज़ पहले ही राइट कर लो, R2 में अप्लाई करना है तो 1 -1 1 -0. सेम थिंग 1 -1 एज इट इज़, क्योंकि चेंज जो होना है वो R2 में होना है, 0 -1 1 -1 1 -1 ए. अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपकी वो आएगी 1 0 1 -1 0 1, दिस इज इक्वल टू 1 -1 -1 1 1+1, तो ये 2 हो जाएगा इनवर्स. चेक दिस वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा. तो इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 -1 -1 एंड 2. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डी. गिवन दैट ए इज इक्वल टू 1 3 2 7, तो ए इज इक्वल टू ए आपको गिवन है क्या 1 3 2 7, और आई है 1 0 0 1, दिस इज इक्वल टू ए. ऑलरेडी 1 गिवन है तो इसमें नहीं चेंज करना, आपको इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है. तो चेंज जो होगा वो R2 में होगा, तो आप इसको R2 राइट कर लो, R2. देखो 2 में से क्या माइनस करें कि 0 हो जाए, तो मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँगी तो मेरा 0 हो जाएगा, तो मैंने 2R1 राइट कर दिया. तो इस ऑपरेशन में देखो क्या चेंज होता है, पहले फर्स्ट R1 एज इट इज़ है, तो उसको R1 को एज इट इज़ लिखो, R2 पे अप्लाई कर रहे हैं तो 2 2 -2 R1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 7 - 2, तो 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा. सेम ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करना, 1 0 एज इट इज़, 0 0 - 2 × 1, यहाँ पे हुआ 1 - 2 × 0, दिस इज ए. ये जो वैल्यू आई आपकी 1 3 0 7 में से 6 गया 1. यहाँ पे जो वैल्यू आई है 1 0, देखो 0 में से -2 जाएंगे तो -2, 1 में -2 0 0 होता है, तो ये वैल्यू ए. अभी यहाँ पे सिर्फ 1 0 1 ये राइट है, हमें सिर्फ 3 को क्या बनाना है, 0 बनाना है. तो हम चेंज कर रहे हैं किस में, कॉलम में भी कर सकते हैं और रो में भी कर सकते हैं. अगर रो अप्लाई करना चाहो तो रो बेस्ट है, आप रो में ही चेंज करो. R1 में चेंज करना है मुझे, R1 देखो यहाँ पे 3 में से अगर 3 माइनस हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, R1 - 3R2. तो आप जब चेंज करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएंगे R1 में चेंज होना है, तो R1 को लिखो 1 - 3 × 0, क्योंकि R2 नीचे क्या है 0 है, 3 - 3 × 1, 1 गिवन है, दिस इज इक्वल टू 0 1.
अब चेंज यहाँ भी होगा, ये है आपका 1 माइनस 3 इंटू क्या है माइनस 2। नेक्स्ट है आपका 0 माइनस 3 इंटू 1, 1 ही गिवन है। आर टू में चेंज नहीं होना है तो आर टू को एज इट इज लिख लो, माइनस 2 और 1, ये आपका ए हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो जो वैल्यू आएगी 1 माइनस 3 0 0 होता है तो कोई चेंज नहीं हुआ, 3 माइनस 3 0 हो गया, 0 1 आपने किस में चेंज कर दिया, आइडेंटिटी फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ क्या चेंजेज आए, 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, और ये 0 माइनस 3 तो माइनस 3 माइनस 2 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी 1 0 0 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 माइनस 2 1 ए। तो जो ए इनवर्स है आपका, ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1, दिस इज योर आंसर। कम टू द नेक्स्ट, गिवन दैट ए इज इक्वल टू आई ए, ए आपको गिवन है 2 3 5 7 और आई की वैल्यू है 1 0 0 1 और ए। अब इसमें हमें यहाँ पे 1 चाहिए तो मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगी आर वन पे। देखो आर वन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और आर टू में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 आ सकता है, तो मैंने क्या किया है 2 आर वन माइनस आर टू। अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, देखो 2 आर वन 2 इंटू 2 4 होगा माइनस 5, 2 इंटू 3 6 होगा माइनस 7, नीचे एज इट इज़ 5 7। सेम थिंग वी विल डू हियर, देखो 2 इंटू 1 2 होगा माइनस आर टू 0, 2 इंटू 2 0 माइनस आर टू 1 0 1, ये आपकी ए की वैल्यू। अब यहाँ पे जो है ये माइनस 1 है, ये भी माइनस 1 है, 5 है 7 है, दिस इज इक्वल टू 2 2 0 0 माइनस 1 0 1 और ए। अब यहाँ पे माइनस आ गया, आपको क्या चाहिए था, प्लस चाहिए था, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आर वन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस वन आर वन। अगर माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई, दोनों क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे, नीचे 5 7 हो जाएगा, और इसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा 0 1 ए। इट मीन्स आपका 1 तो आ गया। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए तो आर टू में चेंज करना है आर टू माइनस 5 आर 1, तो ये चेंज करो आप। ऑपरेशन अप्लाई करेंगे आर टू माइनस 5 आर 1 तो 5 माइनस 5 इंटू 1। अब यहाँ पे आर टू है आपका 7, 7 माइनस 5 इंटू 1, 7 माइनस 5 इंटू 1 5 इंटू, तो ये ऑपरेशन अप्लाई हुआ है किस पे, आर टू पे होना था और हमने आर वन पे लिख दिया, तो आर वन एज इट इज़ अपना आर वन 1 और 1। नेक्स्ट आर टू पे चेंज करना, तो आर वन एज इट इज़ 2 1 आर टू पे राइट करो, देखो आर टू गिवन है आपको 0 माइनस 5 और माइनस 2, आर टू गिवन है 1 माइनस 5 इंटू 1। यहाँ जो वैल्यू आई है आपकी, ये जो वैल्यू आई है 1, 5 माइनस 5 0 1, 7 में से 5 गया 2, ऑलमोस्ट हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने वाली है। दिस इज़ माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 5 2 जो 10 1 और ये हो जाएगा आपका माइनस 4 ए। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे 0, तो पहले इसको 1 बनाते हैं। आर टू में अगेन चेंज, पहले आर वन चेंज करते हैं, आर वन आर वन में राइट करेंगे आर वन माइनस, देखो 2 आर वन ले लो, अगर ये अप्लाई होता है ऑपरेशन तो आर वन में चेंज होना है, आर टू में आपको 1 चाहिए तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें आर टू को, ऑपरेशन अप्लाई करें 1 बाय 2 आर टू, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 आर वन एज इट इज़। आर टू को अगर हम 1 बाय 2 से डिवाइड करेंगे, 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही रहेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, एंड दिस इज़
अप्लाई ऑन द सेकेंड मैट्रिसेस, माइनस टू वन एज इट इज़, 10 को 2 से डिवाइड करना है और माइनस 4 को 2 से डिवाइड करना है इज इक्वल टू ए। तो ये जो मैट्रिक्स बनी आपकी, ये बनी 1 1 0 1 और माइनस 2 1, यहाँ पे 5 और माइनस 2 ए। अब एक चीज़ बची है, वो है आपका 1, यहाँ पे 0 बनाना है, तो आर 1 में चेंज करना है, आर 1 माइनस आर 2, ये अप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा ए। ये होगा आपका 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, ये 0 1 एज इट इज़। अब यहाँ पे अप्लाई करो माइनस 2 माइनस 5, 1 माइनस प्लस हो जाएगा 2 एंड 5 माइनस 2 एज इट इज़ ए। तो यहाँ जो वैल्यू आई है वो 1 0 0 1, और ये जो वैल्यू आई है ये आई है आपकी माइनस 7 3 5 माइनस 2। आपने आइडेंटिटी फॉर्म में चेंज कर लिया, तो दिस इज़ योर इनवर्स, ये आपका इनवर्स है, ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 7 3 5 और माइनस 2, दिस इज़ योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ गिवन। 5 को राइट करेंगे ए इज इक्वल टू आई ए, ए है आपका 2 1 7 4, आई 1 0 0 1 और ए। अब आपको अगेन 2 को किस में, 1 में चेंज करना है। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 7 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 आ जाएगा, तो आर 1 में करना है आपको चेंज, मल्टीप्लाई विद 3 आर 1 माइनस आर 2। अगर हम ये अप्लाई करते हैं ऑपरेशन, तो 2 3 6 माइनस 7, 6 माइनस 7, 3 को 1 के साथ किया 3 माइनस 4, यहाँ अप्लाई करते हैं तो 3 × 1 3, बाद में 0 है तो 0 राइट कर लो, यहाँ पे 3 × 0 0 माइनस 1, वो 0 1 आर 1 में चेंज हो गया, नीचे आर 2 एज इट इज़। अब माइनस 1 7 माइनस 1 4, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1 0 1 ए। अब ये माइनस 1 से है तो आर 1 को मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1 के साथ, आर 1 मल्टीप्लाई विद माइनस 1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 1 7 4 इज इक्वल टू, इसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3 प्लस 1 0 1 ए। अब 1 हो गया, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो आर 2 में चेंज करना है, तो लिखो आर 2 माइनस, या 7 में से माइनस करना है आपको 7, तो 7 आर 1, अप्लाई दिस ऑपरेशन, अप्लाई कर रहे हो आर 2 माइनस, आर 2 माइनस 7 आर 1, 1 देखो 7 में से 7 टाइम्स ये जाएगा 7 माइनस 7, और ये 1 एज इट इज़ 4 माइनस 7, यहाँ पे जो चेंज आएंगे वो होंगे देखो माइनस 3 और 1 एज इट इज़ 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 को 3 से करोगे 21, ये 1 एज इट इज़ और माइनस 7। अब जो वैल्यू आई है आपकी वो 1 0 1 माइनस 3, और यहाँ जो वैल्यू आई है वो है माइनस 3 1 21 और 1 में से माइनस माइनस 6। अब आपको सिर्फ इसको माइनस 3 को क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो अब माइनस 3 को डिवाइड कर सकते हो, आर 2 पे अप्लाई कर दो, आर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, या 3 से डिवाइड कर दो फिर माइनस कर लेना, माइनस या माइनस ही कर लो, माइनस 1/3 आर 2, 1/3 आर 2 करोगे तो 1 1, 0 को माइनस से करो प्लस से करो नो प्रॉब्लम, 0 डिवाइडेड बाय दिस 0 ही होगा, माइनस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये 1 हो गया आपका। अब आप इसको डिवाइड करो माइनस 3 1, इसको हमें डिवाइड करना माइनस 3 से, तो ये 21/3 हो जाएगा, ये माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 3 ये ए हो गया। तो ये फॉर्म आपकी लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, आर 2 में चेंज, आर 1 में चेंज चाहिए, आर 1 में चाहिए आर 1 माइनस आर 2, तो ये 1 माइनस 0 नो प्रॉब्लम, कोई कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 1 0 और 1, ये आपकी आइडेंटिटी फॉर्म आ गई है, यहाँ है आप इसको रिड्यूस कर दो, माइनस 7 होगा, माइनस 3
देखो माइनस सेवन है तो ऊपर जाके प्लस सेवन, यहाँ पे टू आएगा, वन माइनस माइनस टू, दिस इज इक्वल टू माइनस सेवन और ये है आपका टू ए। तो ये आइडेंटिटी आपकी बन चुकी है। दिस इज़ योर आंसर 1001 एंड दिस इज 734 माइनस वन माइनस सेवन टू। तो वट इज़ योर इनवर्स, दिस इज़ योर इनवर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल ट्राई फॉर क्वेश्चन 6 to 10। आई होप विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन यू विल डू इट एंड हैव ए गुड डे।